हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू इंक्रीज यूपीआई लिमिट इन केवीबी यानी करूर वैश्य बैंक में यूपीआई लिमिट कैसे इंक्रीज करना है। तो यहां पे आपको दो अलग ऑप्शन बताऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला ऑप्शन जीमेल के थ्रू बताऊँगा, तो जीमेल आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है और कैसे लिखना है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। तो आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले यहाँ पे आपको नेम का कॉलम लिखना है और उसमें आपको अपना नाम लिख देना है, जो नाम आपका बैंक में है। फिर आपको स्पेस देंगे, नंबर का कॉलम लिखना है। नंबर के कॉलम में आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। फिर सबसे लास्ट में आएगा रिक्वेस्ट का कॉलम, तो रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ वही आपको सेम टू सेम कॉपी करके लिख लेना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है प्लीज़ इंक्रीज माय यूपीआई लिमिट इन केवीबी बैंक। दोस्तों यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप यहाँ पे करूर वैश्य बैंक भी लिख सकते हो। फिर आपको सब्जेक्ट के कॉलम में लिखना है UPI लिमिट इंक्रीज रिक्वेस्ट इन KVB बैंक। सब्जेक्ट के कॉलम में अगर आप अपने बैंक का नाम मेंशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट के कॉलम में ऑलरेडी बैंक का नाम मेंशन किया हुआ है। फिर आपको ऊपर सबसे लास्ट में KVB बैंक की जीमेल आईडी डालना है, वो आपको KVB बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा और KVB बैंक का जो ऐप है वहाँ पे भी ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो वहाँ से आपको ईमेल आईडी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना ईमेल यहाँ पे अपने बैंक को सेंड करना है। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 48 आवर्स के बाद आपका यूपीआई लिमिट इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पहला ऑप्शन, ये अगर आपके लिए वर्क नहीं करता है तो यहाँ पे आप सेकेंड ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर या टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, वहाँ कॉल करके आप प्रोसीजर पूछ सकते हैं यूपीआई लिमिट इंक्रीज का और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो दो ऑप्शन आपको बताया है मैंने, जो ऑप्शन इजी और बेटर लगता है वहाँ से आप अपने बैंक की यूपीआई जो लिमिट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।